Hi guys, I am Stuti. Welcome or welcome back to my channel. In today's video, I'm going to show you my shaving routine. It includes both face shaving routine and also my body shaving routine. ये बहुत ही quick सा video होगा जहाँ पे मैं अपने eyebrows और upper lip shave करने वाली हूँ. I think मुझे एक साल हो गया होगा मैं parlor नहीं जाती हूँ अपने eyebrows करने के लिए. तो ये lockdown में मुझे कोई problem नहीं हो रही है because मैं वो हमेशा ही करती आ रही हूँ. Okay, so let's start with the face shaving routine. आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा growth हुआ है इधर और ऊपर थोड़ा सा और इधर भी थोड़ा सा ग्रोथ हुआ होगा. ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा ही रिमूव करूँगी अपने आईब्रोज़ के. मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ, ज़्यादा मैं पतला नहीं करती हूँ. और अपर लिप्स भी थोड़े से बड़े हैं तो हम वो करेंगे अभी. लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ कि पूरा फेस का शेविंग मुझे ज़रूरत नहीं होती है. लाइक आई डोंट यूजली डू पूरा फेस शेविंग. यहाँ पर भी मेरे ज़्यादा हेयर नहीं हैं, लाइक रुई रुई से थोड़े थोड़े ही हेयर हैं, तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ करना. तो मैं ये फेस शेविंग ऐसा कोई मैंने फिक्स नहीं किया हुआ है कि मुझे एक वीक में एक बार करना है या दो वीक में एक बार करना है. मैंने ऐसे कुछ भी फिक्स नहीं किया है. जब भी मुझे लगता है कि थोड़े से ग्रोथ हो रहे हैं तब मैं कर लेती हूँ ये. जब भी मुझे फील होता है कि मेरे आईब्रोज थोड़े बढ़े हुए हैं और जब भी मुझे फील होता है कि मुझे अगर एक वीडियो शूट करना है उससे पहले मैं कर लेती हूँ ये चीज़. आई यूज़ दिस रेजर फ्रॉम मिनीसो. ये कुछ इस तरीके का दिखता है. तो ये फोल्डेबल भी है एक्चुअली. इट्स वेरी गुड फॉर ट्रैवलिंग, दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस वन. ये ऐसे खुल जाता है और ये ऐसे कुछ पैक में आता है. चार रहता है इसमें एंड इट इज़ फॉर 150 रुपीज़. बहुत सारे ले चुकी हूँ मिनीसो से, तो ये मेरे घर में पड़ा ही रहता है हमेशा. और मेरे पास है कुछ कॉटन टू रिमूव द एक्स्ट्रा हेयर. और मैं बता दूँ, इफ़ यू आर अ बिगिनर आपको थोड़ा सा केयरफुली काम करना पड़ेगा. आप ऐसे मत करना कि बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो, बहुत लाइट स्ट्रोक्स लगाना और बहुत ही इजीली आप रिमूव कर सकते हैं अपना हेयर. ये शार्प रहता है लेकिन इतना भी शार्प नहीं रहता है कि ये ऐसे करने से कट जाता है. ऐसे इतना भी शार्प नहीं रहता है ये. लेट्स स्टार्ट विद द आईब्रोज फर्स्ट. तो मैं क्या करूँगी, पहले ये आईब्रो पेंसिल है, इसमें जो स्पूली होता है ना उससे ऐसे कुछ मैं कर लूँगी. तो मुझे पता चलेगा कि कितना हेयर मुझे कटिंग करना है. मैं एक छोटा सा सीजर लेके इसको अभी हम आईब्रोज शेव करेंगे. ये जिस डायरेक्शन में है मैं इसी डायरेक्शन में इसको लगाने वाली हूँ. इस तरीके से कुछ स्ट्रोक्स डालने वाली हूँ. जब मैं इधर जाऊँगी तो इस तरीके से मैं स्ट्रोक लगाने वाली हूँ. आप अगर बिगिनर हो तो आप पहले एक्स्ट्राज रिमूव करना, उसके बाद ही अगर ट्राई करना है तो अंदर जाना. बिकॉज एक्स्ट्राज रिमूव होने से भी क्लीन ही लगता है अपना आईब्रोज. पहले इसको इस तरीके से टाइट करना होगा, उसके बाद यू गिव द स्ट्रोक्स. ऐसे ही मैं पूरा आईब्रोज अपना कंप्लीट कर दूंगी. आई थिंक एक्स्ट्राज आर रिमूव्ड. फाइनली आई हैव डन माई ब्रोज. अभी हम करेंगे अपर लिप्स.
अपर लिप्स के लिए आप अपने टंग के हेल्प से आप टाइट कर सकते हैं, उसके बाद कुछ इस डायरेक्शन पे। एक मैं बात बता दूं, केयर ग्रोथ जिस डायरेक्शन में होता है आपको उसी डायरेक्शन में चलाना पड़ता है रेजर। आप कुछ इस तरीके से अपने टंग के हेल्प से टाइट कर सकते हैं अपने अपर लिप्स एरिया को, बिकॉज इधर बहुत अनइवन होता है अपर लिप्स, तो कटने का ज़्यादा चांसेस होता है। कुछ इस तरीके से आपको करना है। आई थिंक आई एम डन विद द अपर लिप्स। अपर लिप्स करना मुझे बहुत ही ईजी लगता है इन कंपेरिजन टू आईब्रोज। अगर आपको फेस शेव करना है तो मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी लाइक इफ़ आई एम गोइंग टू एन ओकेजन और कोई पार्टी है और कुछ भी है तो तभी मैं अपना फेस शेव करने का सोचती भी हूँ। आई थिंक एक दो बार ही मैंने किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो करना, बस आपको जिस डायरेक्शन पे आपका हेयर ग्रोथ है उसी डायरेक्शन पे आपको अपना रेजर चलाना है। एंड बहुत ही हल्के हाथों से करती हूँ, मुझे ऐसा शेव्ड लुक नहीं पसंद है। इस तरफ मेरे इतने दूर तक हेयर है लेकिन मैं इसको कभी शेव नहीं करती हूँ, बिकॉज आई एम ओके विथ इट एंड मुझे इतना भी परफेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं वो रहने देती हूँ अपना। सो या आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो। कैन यू सी? माई फेस शेविंग इज डन नाउ, यू कैन सी ऑल क्लियर स्किन। शेविंग करने के बाद अगर आपको थोड़ी सी जलन महसूस हो या फिर थोड़ी सी खुजली सी लग रही है, तब आप एक आइस ले सकते हो और उसको रब कर सकते हो अपने फेस पे। बहुत ही सूदिंग सा इफेक्ट आएगा। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हो, ओरिजिनल एलोवेरा या फिर एलोवेरा जेल, जो भी आपकी मर्जी आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा सूदिंग एंड कामिंग लगता है। आइस तो नहीं था तो मैंने वो पाउडर वाला आइस जो रहता है ऐसा अप्लाई करने वाली हूँ। सो इट्स डन। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ बॉडी शेविंग के बारे में। बॉडी शेविंग का भी मेरे साथ ऐसे ही होता है कि जब भी मुझे लगा कि हेयर ग्रोथ ज्यादा है तभी मैं करती हूँ। जब मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तभी मैं अपने अंडर आर्म्स, आर्म्स और लेग्स भी मैं शेव कर लेती हूँ। मुझे वो वैक्सिंग से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक दो बार मैंने वैक्सिंग किया हुआ है एंड इट इज़ सो डैम पेनफुल। उसके बाद मैं जाती भी नहीं हूँ पार्लर, एज आई सेड, तो मैं वैक्सिंग के सख्त खिलाफ हूँ। आई थिंक इट्स बिन मोर देन 5 years मैं वैक्सिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं शेविंग ही करती हूँ एंड आई लव इट। इवन मेरे अंडर आर्म्स, आर्म्स, लेग्स, सब कुछ मैं शेव करती हूँ। तो मेरे हैंड्स आप देख सकते हैं, काफ़ी हेयर ग्रोथ हो गई है। अभी बहुत दिनों से मैंने नहीं किया है, 2 week में एक बार मैं कर लेती हूँ शेविंग। सो बॉडी शेविंग के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू एक्सफोलिएट योर स्किन। आप अपने स्किन को पहले एक्सफोलिएट कर लीजिए। आपके पास अगर बॉडी स्क्रब हो तो बहुत अच्छा है। मेरे पास तो बॉडी स्क्रब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मल सोप फॉर एक्सफोलिएशन और उसके बाद एक ऑर्गेनिक लूफा। सो दिस इज़ द लूफा दैट आई यूज़। ये एक ऑर्गेनिक लूफा है। जो नॉर्मल लूफा होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ है एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। आई डोंट नो आपको ये कहाँ मिलेगा लेकिन मुझे ये मिला है, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ जस्ट अमेजिंग वर्क करता है ये लूफा। इसको मैं सोप के यूज़ से अपने बॉडी पे रब करूंगी, उसके बाद धीरे से मैं शेव करूंगी। तो फॉर माय बॉडी शेविंग अंडर आर्म्स एंड आर्म्स मैं यूज करती हूँ ये वाला रेजर। इसका नाम है वेनस एंड ये है वेनस ब्रीज। इट इज द न्यू वन दैट आई बॉट। उससे पहले मैं वेनस का और एक ब्लू कलर का आता था वो यूज करती थी। मैं कोई बॉडी स्क्रब या बॉडी वॉश यूज नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल सोप
केटो सोप मैं यूज़ करती हूँ अपने डेली शावर रूटीन में, दैट इज़ प्रेस्क्राइब बाय अ स्किन स्पेशलिस्ट। ये सोप को मैं इस तरीके से रब कर लेती हूँ ऑर्गेनिक लोफा में, उसके बाद अपनी हैंड्स पे लगाती हूँ आफ्टर वेटिंग ऑफ कोर्स। आफ्टर यू वेट योर आर्म्स, इस तरीके से मैं स्क्रब कर लूंगी अपने हैंड्स। आफ्टर स्क्रबिंग इट फॉर 1 मिनट और सो, रेजर के हेल्प से इसको निकालने वाली हूँ। फिर काफी अच्छे से रिमूव कर देती है ये हेयर। ओके, सो आई हैव डन दिस फॉर बोथ द हैंड्स। काफी स्मूथ सा लगता है आफ्टर यू डू दैट, तो मैं इसको अच्छे से साफ कर लूंगी। एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई योर बॉडी ऑयल या फिर बॉडी लोशन या फिर एलोवेरा जेल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आई विल रिपीट द सेम स्टेप्स विथ माई लेग्स एंड ऑल्सो माई अंडर आर्म्स। सो या, सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप इट वॉज यूजफुल टू यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट एंड कॉमेंट डाउन बिलो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।